रिकॉर्डिंग ऑन। जी। ओम मेधाम मे वरुणो ददातु, मेधाम अग्निः प्रजापतिः, मेधाम इंद्रः च वायुः च, मेधाम धाता ददातु मे। मंत्रार्थ, मे मेरे लिए, मेधाम मेधा को, वरुणो वरुण, मेधाम मेधा को, अग्नि अग्नि, प्रजापति ही प्रजा का रक्षक, ददातु प्रदान करे, मेधाम मेधा को, अग्नि ही मेधा को, इंद्र परमेश्वरवान च और वायु प्रवाहमान सृजनशील च और मेधाम मेधा को, मैं मेरे लिए धाता धारण करने वाला, ददातु प्रदान करे। भावार्थ, देव शक्तियों से मेधा प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। सभी विद्वानों गुणवानों से तथा परमात्मा से भी हम मेधा की ही याचना करें तो उत्तम है। धातुवादी निरुक्त, मेधाम मेधा शीघ्र समझना, मेध समझना, जानना, संगति करना, हिंसा करना, मे सर्वनाम वरुणों व्री वरण करना, आच्छादन करना, अग्नि ही अग जाना, गति करना, प्रजापति ही प्र उपसर्ग जन उत्पन्न करना, पत ऐश्वर्य होना, रक्षा करना, ददातु दा देना, इंद्र इंद परमेश्वर्य होना, च अव्यय वायु वय जाना, उड़ना वा गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, वी जाना, व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना, खाना, वे मुन्ना रचना करना, सृजन करना, धाता धा धारण करना, ददातु दा देना। ओम खं रम। यजुर्वेद अध्याय 32 पंचदशा मंत्र 15वां मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मेधा सूक्त है। ओम मेधाम मे वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधामिन्द्रा च वायुः च, मेधाम धाता दधातु मे। इतनी सुंदर प्रार्थना है, कह रहे हैं बस हमें मेधा प्रदान कर दो और कुछ नहीं चाहिए। ये मेधा प्रतिभा प्राप्त हो जाए तो और क्या चाहिए, शेष तो हम प्राप्त कर लेंगे। इस भावना को समझना इस मंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे विचार से। इस मंत्र का अर्थ इतना सरल है कि उसमें कुछ कहने के लिए है नहीं। मेधाम मेधा को, मैं मेरे लिए, वरुणो वरुण, ददातु दे प्रदान करे। वरुण मेरे लिए मेधा को प्रदान करे। वरुण वर्णीय वर्ण करने योग्य परमेश्वर को विभिन्न नामों से इसमें कहा गया है। अनेक गुणवाची नामों से परमेश्वर की स्तुति इस मंत्र में की गई है और याचना इतनी सी है, प्रार्थना केवल ये है कि हमें मेधा प्रदान करें। कह रहे हैं वरुणो वह वर्णी परमेश्वर में मेरे लिए मेधाम ददातु, मेधा प्रदान करें। मेधाम अग्नि प्रजापति, और जो अग्नि है अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर है वह अग्नि प्रजापति समस्त प्रजाओं का अधिपति परमेश्वर मेधाम मेधा को ददातु प्रदान करे। ये ददातु क्रिया सभी के साथ रहेगी, जहां भी हम मेधाम पढ़ेंगे ददातु उसके साथ स्वतः है। मेधाम मे वर्णो ददातु, वर्णे परमेश्वर मेरे लिए
मेधा को प्रदान करे। मेधा अग्नि ही प्रजापति, वह अग्नि अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर प्रजापति समस्त प्रजाओं का अधिपति परमेश्वर मेधाम ददातु, मेरे लिए मेधा को प्रदान करे। मेधाम इंद्रा च वायु च, और कह रहे हैं मेधाम मेधा को इंद्रा इंद्र परमेश्वरवान अर्थात परमेश्वर, इंद्र शब्द का अर्थ ही परमेश्वर है। यदि परमेश्वर धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति होती है, वेदायन में हम लोगों ने ऋग्वेद का इंद्र सूक्त पढ़ा था और भी इंद्र सूक्त पढ़े हैं, तो इंद्र शब्द यदि परमेश्वर धातु से निष्पन्न है, इसका अर्थ ही है अर्थात यदि इंद्र धातु का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्य होना, तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर। इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर, उबट सायड महीधर दयानंद आदि सभी वेद भाष्यकारों ने किया है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर है, इस बात को लेकर विद्वान वेद भाष्यकारों में कोई मतभेद नहीं है। फिर भी मतभेद बड़े बड़े हैं, वह यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, हम विषयांतर नहीं करेंगे। इंद्र के स्वरूप को लेकर लोगों ने कल्पनाएं की होंगी, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है जो हम आपको वास्तव में प्रसंग बस कहना चाहते हैं कि शब्द के अर्थ निश्चित हैं, वेद के शब्दों के अर्थ धातु जो हैं यह सभी मानते हैं। दयानंद जी ने विशेष बल देकर यह बात कही कि वेद के शब्द यौगिक हैं धातु जो हैं, परंतु उनके पहले के भी भाष्यकार यही मानते थे कि वेद में धातु अर्थ ग्रहण किया जाता है। इंद्र शब्द का अर्थ सबने परमेश्वर लिखा, परम ऐश्वर्यवान लिखा है, या परम ऐश्वर्यवान को जोड़ दिया तो परमेश्वर हो गया, एक ही बात है। तो कह रहे हैं मेधा इंद्रा च वायु च, मेधा को इंद्र और वायु च, और वायु तो वे भी हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर को इंद्र वायु अग्नि प्रजापति आदि नामों से जाना जाता है, तो उन्हें नामों से यहां स्मरण किया जा रहा है। सभी शब्दों के धातु अर्थ लिखे हैं इसमें और पढ़ भी दिए गए हैं। तो मेधा इंद्रा च वायु च, इंद्र और वायु मेधा को में ददातु, मेरे लिए प्रदान करें। मेधाम धाता ददातु में, मेधा को धाता, धाता अर्थात धारण करने वाला, धा धातु का अर्थ है धारण करना, धाता का अर्थ हो गया धारण करने वाला, इसे कृ धातु का अर्थ करना, करता करने वाला, ज्ञा धातु का अर्थ जानना, ज्ञाता जानने वाला। तो धाता का अर्थ हो गया धारण करने वाला, वह परमात्मा सबको धारण करने वाला है, इसलिए उसे धाता नाम से भी कहा गया है। तो कह रहे हैं मेधाम धाता ददातु में, तो वह धाता सबको धारण करने वाला परमेश्वर में मेरे लिए मेधाम ददातु, मेधा को प्रदान करे। परमेश्वर को विभिन्न नामों से स्तुत करते हुए इस मंत्र में कहा गया कि हे परमेश्वर आप विविध रूपों में विभिन्न गुणों के साथ विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, बस आप हमें मेधा प्रदान कर दें, यही इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। इतना सरल सा मंत्र, इतना सरल सा अर्थ, इतनी सीधी सरल भावना, अब इसमें कितना विस्तार व्याख्या की जाए। ऐसा लगता है कि इसको विस्तार से व्याख्या करने का प्रयास किया गया तो हो सकता है इस मंत्र का मूल भाव, मूल प्रेरणा कहीं खो ना जाए, इसलिए मेरे विचार से इसको इतनी सरलता से इतना ही समझ लें, अनावश्यक विस्तार न दें तो उत्तम है, समय है हमारे पास। तो इस अध्याय का अंतिम मंत्र मात्र शेष है, तो यजुर्वेद अध्याय 32 षोडश मंत्र 16वां मंत्र भी आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं।
इस 32वें अध्याय में मात्र 16 मंत्र हैं और यह षोडशी ही 16 मंत्रों वाला अध्याय कितना सुंदर है, कितना उत्तम है। आपने देखा छोटा सा अध्याय मात्र 16 मंत्र और वे भी इतने सरल और इतने उत्तम। क्या इसे हम लोग नित्य पाठ में, आयोजनों के पाठ में सम्मिलित कर सकते हैं? प्रयास करना चाहिए, बहुत उत्तम है। इन्हीं सब गुणों को देखकर यह यजुर्वेद के अंतिम एकादश अध्याय यजुर्वेद एकादशी के रूप में हम लोगों ने संकलित प्रकाशित किए हैं। यह यजुर्वेद का शिव कांड है। यजुर्वेद को 7 कांडों में प्रस्तुत किया है और उसमें ये अंतिम सप्तमो कांड शिव कांड, जिसमें ये अंतिम एकादश अध्याय हैं, जिसे हम लोगों ने यहाँ यजुर्वेद एकादशी के नाम से भी प्रकाशित किया है, इसका स्वाध्याय हम आप कर रहे हैं। तो यजुर्वेद अध्याय 32 का 16 मंत्र, 16वां मंत्र अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ॐ ॐ इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं च उहे श्रियं अश्नुतां मयि देवा दधतु श्रियं उत्तमां तस्यै ते स्वाहा। इस अध्याय का समापन इस मंत्र के साथ हो रहा है। इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं च, इदं यह मे मेरे लिए, ब्रह्म ब्रह्मकार बड़ा, परमेश्वर का भी नाम ब्रह्म है क्योंकि वह सबसे बड़ा है। ब्रह्मवर्धने धातु से ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति है, बढ़ना, वृद्धि करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, यही ब्रह्म के लक्षण हैं, यही ब्राह्मण के लक्षण हैं। उस ब्रह्म से जो जुड़ा है, जो उस ब्रह्म के कार्य को करता है, जैसे वो ब्रह्म सबको बढ़ाता है, वैसे ही जो समाज में सबको बढ़ाता है, उस ब्रह्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। तो इदम में ब्रह्म चा छत्रम चा, इदम यह मैं मेरे लिए ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है वह ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, छत्रम जो छत्र है, छत छत धातु का अर्थ ढकना, आच्छादन करना है, मारना और रक्षा करना भी, जो आच्छादित करता है, संरक्षण करता है और किसी का संरक्षण करने के लिए आवश्यक हो जाए तो आतताई हिंसक को मारता भी है, उसे छत्र कहते हैं। परमेश्वर को इन गुणों में छत्र नाम से भी संबोधित किया गया है। हम यही कह रहे हैं कि इस मंत्र में भी परमेश्वर को इन नामों से संबोधित किया जा रहा है। परमेश्वर का ब्रह्म तो प्रमुखतम नामों में से है। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है और ओम के पश्चात जो नाम सर्वाधिक कहा जाता है वो ब्रह्म है और अग्नि है, इंद्र है। वेद में यही नाम परमेश्वर के सर्वाधिक आए हैं। अनेक नामों से वेद में उसको कहा गया है, परंतु ओम मुख्य नाम है जो सभी मंत्रों में हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ ब्रह्म, अग्नि और इंद्र प्रमुखता से प्रयोग हुए हैं, इसको हमें जानना समझना चाहिए। तो इदम में ब्रह्म, यह मेरे लिए ब्रह्म चा और क्षत्रम, क्षत्र चा और उभे दोनों श्रियम अश्नुताम, श्रियम श्रेय को, श्रेय को, सामान्यता श्री का अर्थ श्रेय ही समझें। श्री और श्रेय एक से शब्द हैं, हम समझ रहे हैं स्वाभाविक है, धातु समान होगी, श्री धातु होगी, श्री धातु से ही तो ये सारे श्री और श्रेय शब्द बनेंगे, है ना। तो श्रीयम अर्थात श्रेय को, श्री धातु है, इसका अर्थ सेवा करना, श्रेय होना, आश्रय होना है। तो श्री से भी
हम कह सकते हैं हमें श्रेय प्रदान करे, ये भावना हो सकती है, और सबको श्रेय देने वाला होने से परमेश्वर को भी श्री श्रेय श्री नाम से हम कह सकते हैं। अश्नुताम अश्नुताम को समझना होगा, अश धातु का अर्थ भोजन करना है, व्यापक होना भी है, प्राप्त करना है, तीव्रता से पहुंचना है, इसको समझें। बौधा ये शब्द आता है, ये धातु आती है, उसे हमें समझना ही पड़ता है। अश धातु व्यापक होने के अर्थ में है, तीव्रता से पहुंचने के अर्थ में है, भोजन करने के अर्थ में भी है। अश्नुताम हम यही कह सकते हैं, व्याप्त करे, व्यापक बनाए, शीघ्रता से पहुंचे या शीघ्रता से हमें प्राप्त कराए, ये कह सकते हैं। ब्रह्म और छत्र को श्लेष अलंकार में ग्रहण कर सकते हैं, श्लेष अलंकार साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं। काव्य में एक शब्द एक बार आता है और उसको दो या अधिक अर्थों में पढ़ा जाता है, अर्थात उस काव्य का अर्थ करते समय एक ही शब्द को दो या तीन अर्थों में भी लिया जा सकता है, अधिक अर्थों में लिया जा सकता है, यूं कहें कि दो या अधिक अर्थों में उसको ग्रहण कर सकते हैं, शब्द एक ही बार आएगा। जैसे इसमें ब्रह्म शब्द एक बार आया है, हम ब्रह्म का एक अर्थ तो परमेश्वर करेंगे, स्वाभाविक है, वेद में ब्रह्म शब्द परमेश्वर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है, सर्वाधिक प्रयुक्त है, तो ब्रह्म का परमेश्वर अर्थ तो है ही, इसे तो नकारा ही नहीं जा सकता। अब ब्रह्म वे लोग भी हो सकते हैं जो ब्रह्म के उपासक हैं और उसके गुणों को उसके कार्य को अपनाते हैं, समाज में लोगों को आगे बढ़ाते हैं। छत्रम में भी यही बात कही जा सकती है, जो इन गुणों से युक्त हैं, आच्छादन संरक्षण का कार्य करते हैं, उन महानुभावों को, उन देवजनों को, सज्जनों को भी हम ब्रह्म और छत्र से संबोधित कर सकते हैं। तो हम ब्रह्म से, परमेश्वर से तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे लिए प्रदान करें, हमने कहा पिछले मंत्रों में मेधा प्रदान करें, यहां पर कह सकते हैं श्रीयम, श्री को श्रेय को अश्नुताम व्याप्त करें, प्राप्त कराएं। और जो समाज में इन गुणों से युक्त सज्जन दिव्यजन हैं, देवजन हैं, उनसे भी आशा अपेक्षा कर सकते हैं कि आप लोग भी, क्योंकि आप भी यही कार्य समाज में कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों का आच्छादन संरक्षण कर रहे हैं, तो कृपया हमें भी श्रेय प्रदान करें। आप समर्थ हैं तो ये श्री श्रेय हमको भी प्रदान करें, ये प्रार्थना हम समाज के अग्रणी देवजनों से भी कर रहे हैं। मई देवा दधतु श्रीयम, देखिए बिल्कुल पिछले मंत्र जैसा ही स्वरूप इस मंत्र का भी है, मई मुझ में देवा देवगण, यहां ये देवा है, इसमें विसर्ग नहीं है, संस्कृत में विसर्ग होगा ही होगा, देवा बहुवचन में बनेगा, वेद की भाषा में वैदिक भाषा में विसर्ग का लोप कहीं भी हो सकता है, इसको ऐसे समझने में ही भलाई है। हो सकता है कुछ अति विद्वान व्याकरणाचार्य आपको कुछ नियम बताना चाहें कि विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन नियमों से होता है, तो स्पष्ट हमने कहा है कि वेद में किसी के नियम नहीं लागू होते, सरलता से समझ लें कि वेद में विशेष रूप से कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में जो विसर्ग होता है वो एक वचन में हो या बहुवचन में, वो कभी भी कहीं भी विलुप्त हो सकता है, अर्थ उसका वही रहेगा। आपके समझने के लिए, सरलता के लिए ये सरल नियम भी ठीक है, जिससे आप सरलता से वेद को पढ़ा और समझ सकें, और शेष जिसको व्याकरण में विद्वता प्राप्त करनी है, शोध कार्य करना है, उसे अवश्य पंचपाठी व्याकरण और महाभाष्य आदि पढ़ना चाहिए, जो जितना कर सके
अति उत्तम है। हम आपको सरल नियम बता रहे हैं जिससे हमारे सरल वेद भाष्य को आप समझ सकें। मैं मुझ में देवा देवगण दधतु धारण करें, दान करें, प्रदान करें। दातद धातु के ये अर्थ है धारण करना भी और देना भी। तो मैं मुझ में धारण करें ये अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। मैं सप्तमी एक वचन में है तो अधिकरण कारक है। तो देवा देवगण मुझ में धारण करें क्या श्रीयम, श्रेय को मुझ में धारण करें अर्थात यह गुण हमें भी प्रदान करें। उत्तमाम उत्तमा को तस्य उसके लिए ते तुम्हारे लिए स्वाहा व्यापक हो। हमने प्रार्थना की पिछले मंत्रों में परमेश्वर से विभिन्न नामों रूपों में कि हे परमेश्वर आप हमें मेधा प्रदान करें। इस मंत्र में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें श्रीयम प्रदान करें, श्री प्रदान करें, श्रेय प्रदान करें। इसमें श्रेय ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः देख लें, श्री धातु श्री शब्द श्री धातु है, इसका अर्थ सेवा करना, श्रेय होना, आश्रय होना। तो हमें सेवा की भावना प्रदान करें, हम भी दूसरों की सेवा करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, ये सद्भावना हमें प्रदान करें। हमें भी कुछ अच्छा कर जाने का श्रेय प्रदान करें कि हमारा जीवन ऐसे ही निरर्थक न चला जाए, कुछ समाज के हित में उपयोग हो, कुछ समाज के लिए अच्छा कर जाने का श्रेय हमें भी प्राप्त हो। हमें आश्रय प्रदान करें, ऐसा आश्रय प्रदान करें जो समाज को भी आश्रय दे सके, हम दूसरों के लिए भी आश्रय दे सकें। आप हमें आश्रय प्रदान करें, हम दूसरों को आश्रय दे सकें। इस उत्तम भावना के लिए उत्तमाम यह वेदवाणी देखिए उत्तमा स्त्रीलिंग में है। वेद में बहुत लिंग भेद नहीं होता ऐसा हम कहते हैं। कहीं कहीं कुछ विशेष संकेत प्रतीत होता है तो उसे हम विशेष रूप से उल्लिखित कर देते हैं, अन्यथा मान के चलें कि वेद में लिंग भेद काल भेद सामान्यता नहीं होता। कहीं कहीं उसका विशेष उपयोग हमें लगता है तो हम चर्चा करते हैं। शेष आप लोग और भी अपने विचार से व्याख्या को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए तस्य भी स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग होता तो तस्य होता उसका, तस्य ते स्वाहा ते तुम्हारे लिए उत्तमाम उत्तमा स्त्रीलिंग में प्रतीत हो रहा है। तो उत्तमा को तस्य उसके लिए ते तुम्हारे लिए अर्थात तुम उत्तम के लिए स्वाहा व्यापक हो, जो उत्तम है समाज में। स्त्रीलिंग से हम वेदवाणी की ओर संकेत कर सकते हैं, परमेश्वर को सामान्यता पुल्लिंग में भी कहा गया है, नपुंसक लिंग में भी कहा गया है। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र में तत्सवितुवरेण्यम में तत् शब्द नपुंसक लिंग में है, ईश्वर लिंग भेद से परे है, स्त्री पुरुष से परे है, तो उसके लिए कभी ऐसा कुछ प्रयोग तो सामान्यता नहीं होता। इसलिए स्त्री लिंग के प्रयोग आते हैं तो बहुत से विद्वान मानते हैं, हमको भी ठीक लगता है, आप लोग अपना विचार कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के लिए नहीं हो सकता है, ईश्वर की वाणी के लिए हो अर्थात वेद के लिए, इस वेद वाणी के लिए हो, यह भावार्थ है। आप हमसे असहमत हो सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। मंत्र केवल इतना कर रहा है कि उस तुम उत्तम को स्वाहा व्यापकता प्राप्त हो, जो ही ये उत्तम बाड़ी है, उत्तम
भावना है हमारी, उसको व्यापकता प्राप्त हो, वह समाज में व्यापक हो, सब लोग इस उत्तम भावना को ग्रहण करें, स्वीकार करें, अपनाएं, तो समाज अति उत्तम बन सकता है। इस भावना के साथ इस मंत्र को, इस अध्याय को आज हम पूर्णता प्रदान करते हैं। इसे अपनी वाणी को अब हम इस चर्चा को विराम देते हैं। आप लोग जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम खं ब्रह्म। स्वामी जी, जो यज्ञ हवन करते हैं अभी अपने हिंदू धर्म में, तो अंत में स्वाहा बोला जाता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? जी, इसकी चर्चा भी हमने की है। स्वाहा शब्द का अर्थ है व्यापक, व्यापक हो, व्यापक होने की भावना है। तो जो भी हम मंत्र बोलते हैं उसके अंत में स्वाहा बोलने का भाव यही हो सकता है कि ये मंत्र जो हम पढ़ रहे हैं ये व्याप्त हो, समाज में व्यापक हो जाए, यही भावना हो सकती है हमारे विचार से। शेष जैसा लोग उसे समझे। धन्यवाद स्वामी जी। जी बोल रहे हैं, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। स्वामी जी नमस्ते। स्वाहा जो है तो उसको स्व मतलब सुख में भी ले सकते हैं कि सभी सुखकर होवें। इसका अर्थ सुख कैसे हुआ? स्व के लिए इस्तेमाल होता ना, स्व सुख के लिए, सुख होता है, अपना सुख कैसे हो गया? अपना नहीं मतलब सभी सुखी हो गए, उस आशय में इसके ले सकते हैं। नहीं भाई, आपने कहा स्व, स्व का अर्थ क्या होता है? अपना। हाँ, हिंदी में इसको अपना कहते हैं, लेकिन संस्कृत में तो जो अपन पढ़ रहे हैं लगातार उसमें स्व का अर्थ तो सुखी के लिए है। नहीं, कहीं नहीं। स्व का कहाँ लिखा है, किस शब्द कोश में, किस व्याकरण में? या तो किसी धातु से बने, या अव्यय हो, या सर्वनाम हो, कहीं भी इसका अर्थ सुख नहीं बनता। जब उसको सु में बदल देते हैं तब? सु उपसर्ग है जिसका अर्थ अच्छा, सुंदर, उत्तम का लिया जा सकता है, तो वही हाँ, तो कहा जा रहा है सु। हाँ, जो है वो, और उसके बाद अहधातु है व्याप्त होना, उत्तमता से व्याप्त हो, यही तो अर्थ हम ले ही रहे हैं, यही तो हम आपको बता ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सहमत सहमत, धन्यवाद जी। आप, आपसे हमारा निवेदन है कि यजुर्वेद एकादशी आप मंगा लें, तो आपकी मुझे लगता है कुछ अच्छा तालमेल बन जाएगा। आपके पास ये हमारा एकादशी भाष्य है नहीं, आपके पास जो यजुर्वेद है वो हमारा नहीं है। हमने ये समझा था हमारा यजुर्वेद भाष जिसके पास है तो उनके लिए तो ठीक है, वो चाहे यजुर्वेद भाष से पढ़े या एकादशी से, एक ही बात है। क्योंकि हमारा यजुर्वेद भाष जो है उसी से एकादश अध्याय हमने इस रूप में प्रकाशित कर दिया है अलग से। तो आप हो सके तो हमसे, गौरव जी से संपर्क कर लें, एकादशी भाष मंगा लें, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, संभव हो तो इतना कर। ये हमारा निवेदन है, से जो भी उचित समझे। ओम। जी, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो कह सकते हैं, अन्यथा समय भी हो गया है, समापन कर सकते हैं।
बोलिए ओम। जी गुरु जी, तो समापन करते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं लग रहा है। ओम यो असो आदित्य पुरुषः, सो असो यो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः, सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम ओम यो असो आदित्य पुरुषः, सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर, ओम खं ब्रह्म बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है। जो मान लें कि प्रयास करें ओम खं ब्रह्म, इसी को हम लोग अपने अभिवादन के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे लोगों ने अपना जो भी किया हुआ है, तो यजुर्वेद के अंतिम मंत्र का अंतिम अंश है, अर्थात ये पूरी तरह से अमृत है, वेद के अंत में आया हुआ। और बच्चे जितना अच्छा बोल रहे हैं बहुत आनंद आता है, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज के इस चर्चा को विराम दें, कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी साथियों को, शुभ रात्रि।